नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। बड़ी खबर छतरपुर से, जहां पर एक बड़े गोदाम में आगजनी की घटना सामने आई है। छतरपुर के रिहायशी इलाके में जहां ज्यादातर दुकानें हैं और दुकानदारों के ही घर मौजूद हैं, इस इलाके में आगजनी की घटना सामने आई है। छतरपुर के महलों के समीप जैन साइकिल स्टोर नामक एक बड़ा गोदाम था। इस गोदाम में सुबह 8:30 बजे आग लगने की घटना सामने आई है। इस घटना में अभी जो प्रारंभिक आशंका है वो 10 लाख के नुकसान की आशंका बताई जा रही है। आग बुझाने का काम खत्म हो गया है और आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो नुकसान है वो 10 से 15 लाख रुपए का बताया जा रहा है। बहरहाल, मौके पर पहुंचे नगर पालिका के सीएमओ अरुण पटेरिया, फायर फाइटर की टीम और पुलिस बल ने चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए इस आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन जिस इलाके में ये गोदाम था वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि तंग गलियां थी और चारों तरफ अतिक्रमण भरा हुआ था, जिसके कारण काफी देर लग गई और बड़ा नुकसान सामने आया है। ये सवेरे जैन साइकिल स्टोर वालों का, हाँ, जो मकान बना है उसमें उनका गोडाउन बना हुआ था, उसमें आग लगी। अब आग किन कारणों से लगी इसका भी पता नहीं लगाया गया, लेकिन जैसे ही नगरपालिका को सूचना मिली तो हमारा पूरा वाहन, हमारा पूरा स्टाफ, पुलिस प्रशासन और SDM साहब मौके पर आए और आप देख रहे हैं आग को पूरे तरीके से काबू पा लिया है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है। सामान तो है तो वो थोड़ा बहुत होगा तो इंश्योर्ड होगा, उनको मिल जाएगा, बट आग पूरी तरीके से हमने काबू कर लिया है। नुकसान हुआ होगा, अब इसके लिए तो जिसका नुकसान हुआ वो बता पाएंगे कितना हुआ होगा, लेकिन बिल्डिंग को देख के हमें लग रहा है कम से कम लाखों का नुकसान हो गया होगा, बाकी वो बता सकते हैं। उधर इस नुकसान के बाद SDM अनिल सपकाले ने कहा कि ऐसे इलाकों में गोदाम नहीं होने चाहिए और अब चिन्हित करके ऐसे इलाकों की जांच की जाएगी कि यहां पर रिहायशी इलाकों में गोदाम क्यों चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आज की ये जो आगजनी की घटना थी इससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था रिहायशी इलाके में, दूसरे घरों में भी। ये परवारी मोहल्ले में बुली जैन के यहाँ पे जो जैन साइकिल स्टोर है उनके यहाँ पर लगभग 8:30 के बीच में आग लगी थी, और मौके पर जो हमारा पुलिस भर और CMO साहब और फायर फाइटर की टीम पहुंचकर समय पर आग बुझा दी गई है, किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है। शहर के बीचों बीच गोदाम बना हुआ है, इस पर क्या प्रभाव? हाँ, ये तो सही है कि यहाँ पर लोगों के द्वारा जो है मकानों में ही जो है गोडाउन बना लिए जा रहे हैं। आगामी समय में हम जो शहर में जितने भी ऐसे रहवासी क्षेत्र है जहाँ गोडाउन नहीं होना चाहिए तो उसको हम सर्च करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और गोडाउन खाली करवाएंगे।